Hello and welcome to Current Electricity Part 3. আমি আগুরু পার্ট ওয়ান র এ বি সি ডি চারটা পার্ট দেখিলে পার্ট টু রে আমি দেখিলে কেমতি রেজিস্ট্যান্স কো তিনটা ফ্যাক্টর উপরে ডিপেন্ডেন্ট নেচার অফ ম্যাটেরিয়াল एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ से विषय आम डिस्कशन कले एबे पार्ट थ्री रे आम देखिबा सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन कौन कारण आमर सर्किट रे बहुत जिनस रहिबो बहुत जिनस सीरीज रे रही पारे बहुत जिनस बहुत एलिमेंट पैरेलल रे रही पारे गोटे सर्किट रे तेणु से विषय आम पुंखानुपुंख आलोचना करिबा हैला चलो जीवा ताहले आलोचना को देख सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स आम आगुरु जानीचे जे रेजिस्टर जीए कंडक्टर सी किंतु जेहेतु रेजिस्टेंस टा टिक अधिका तेणु आम ताकु रेजिस्टर भी कहू ता माने नो जे सेटा कंडक्शन करूनी आमे रेजिस्टर ही कहिबा दी प्रकार रो रेजिस्टर मानकर कॉम्बिनेशन दी प्रकार रो गोटे हला श्रेणी संजोग बा पंक्ति संजोग सीरीज कनेक्शन आ गोटे पैरेलल कनेक्शन चलो आग देखिबा पंक्ति संजोग कौन बा श्रेणी संजोग कौन ना जदि धर एटा गोटे रेजिस्टर आर वन आर टू आर थ्री ता रेजिस्टेंस होची आर वन आर टू आर थ्री सो रेजिस्टर मानकु डका जाए ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ଏ ଆର୍ ୱାନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଆର୍ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଆର୍ ଥ୍ରୀ ରେଜିଷ୍ଟର ଏ ତିନିଟା ରେଜିଷ୍ଟର ଏଠି କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଆକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସିରିଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସିରିଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ର ମାନେ ହେଲା ମାନେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ସର୍କିଟ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଗ କି ତିନି ଭାଗ ହେବନି ଯିବ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ଯିବ ପୁଣି ଫେରିବ पॉजिटिव टर्मिनल रु बाहरला बैटरी रो से गोटे दिगरे गला फेरिला आउ कोठी डिवाइडेड हेलाने दीटा पाथ हेलाने मोर देन वन पाथ जदि हे जीवो करंट रो डायरेक्ट माने बाटटा जदि मोर देन वन पाथ हे जीवो ताले सेटा हला पैरेलल कनेक्शन जदि गोटे पाथ रे से फेरिबो ताले सेटा हला सीरीज कनेक्शन सीरीज कनेक्शन रो डेफिनेशन हला जे समस्तंक देहरे समान करंट जीवो एठु जेतिके करंट बाहरिबो सेटा डिपेंड करे एमानकर टोटल रेजिस्टेंस उपरे एटा एटा चेंज हे गेले करंट ड्रॉ करिवो कम बेसी अलगा कथा तमे जानिचो आई इज इक्वल टू वी बाय आर तणी एठी जदी आरटा समूह समूह सामूहिक आरटा जदी बढी गला ताहले आईटा कमी जीवो जदि एटा कमी जीवो ताहले आईटा बढी जीवो तुम जानिछ आर उपर डिपेंड करे करंट एटा तो फिक्स्ड 12 वोल्टिया बैटरी लगे देले कि 6 वोल्टिया बैटरी लगे देले एटा फिक्स किंतु यार उपर डिपेंड करूछि तो यार तीनटा जो लगे देले सीरीज तार अर्थ कोन ना करंट समान आई कांस्टेंट किंतु वोल्टेजटा डिवाइडेड हे जीवो यार वोल्टेज धर वी1 आर वोल्टेज ए ए ए पॉइंट दीटा भितर ए पॉइंट दीटा भितर हो आर वी थ्री एटा हला वी टू एटा हला वी वन अलग अलग तुम्हें चाहिए वोल्ट मीटर धरिकी वोल्ट मीटर दी प्रांत एटी गोटे प्रांत एटी गोटे प्रांत लगे आर वन बाहर जीवो वोल्टेज वी वन एट पुणी वोल्ट मीटर टाक काढ़ी एटी एटी पॉइंट लगे वी टूटा बाहर जीवो आर टू रो सेमती वी थ्री टा बाहर जीवो आर थ्री रो मिसई दब जदि देखिबो ए टर्मिनल भितर जदि पूरा लगेबो माने कॉम्बिनेशन एंटायर कॉम्बिनेशन रो जदि वोल्टेज बाहर करिबो वोल्ट मीटर रो गोटे टर्मिनल एठी लगेबो आ गोटे टर्मिनल एठी लगेबो देखिबो ए तीनटा इंडिविजुअल वोल्टेज रो
बा पोटेंशियल डिफरेंस रो समष्टि जहा ए पूरा कॉम्बिनेशन रो वोल्टेज से माने V एटा हला V कॉम्बिनेशन रो ए मुंडरु से मुंड इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एटा गुटे आउ आईटा कांस्टेंट ए दीटा जदी हबो ताले से कनेक्शन को आमे कहबा सीरीज कनेक्शन एंड गोटे कथा मुझे कही दूँ आगुरी भी कही जे जदि ये जगह भि वोल्ट यार तो फिक्स्ड बहुत दिन पर्यंत फिक्स रहीरे धीरे कम समस्त समस्ते धीरे 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 दिन ना दिन बुढ़ा होकर मरवे तेणु ये भी बुढ़ा बुढ़ा हम मर तेणु मुझे नुआ नुआ तार वोल्टेज कन्स्टाट रही सो ये तार परफेक्ट अच्छे या दीहर के धर तुम पढ़ुच तुम मास्टर पाखे मास्टर पूरापूरी परफेक्ट अच्छे से ज्ञानर भंडार कितु तुम्हें केते टाणव तुम विद्या से तुम उपर डिपेंड कै ना तुम्हें जदि गधा हो पढ़ा इच्छा नास्टर कहीं पढ़ेब तुमको जी कह कथा कहीदेव कि तुम्हें इंटेलीजेंट हो तुम्हें ड्र कर मास्टर ठू तुम्हें नलेज टाणी आण बस मास्टर को भी लिमिटेशन अच्छी भि कैपासीटी 10 वोल्ट 12 वोल्ट तारी भितर से काम करेंगे बट तुम्हें टाणी पार अधिका बेसी डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो बढ़ेदेव करंट कम आसो आँ जान आई इज्कवल टू भि बाई आर भिटा तो कन्स्टाट अच्छे ताकू कि कहीं वोल्टेजटा इज इक्वल टू भि वन प्लस भि टू प्लस भि थ्री तार अर्थ हूँ ये जो तार पोर्सनटा ये जो दुटा तार पोर्सन तुम भाव तार कौन किसी वोल्टेज ना तार वोल्टेज नगण्य कारण यहाँ मोटा तारे या तार रेजिस्टेंस एकदम भेरी भेरी स्मॉल आज रिजल्ट सी किसी वोल्टेज ड्रॉप कराए ना तो एम जो वोल्टेज ड्रॉप हुए नहीं वोल्टेज ड्रॉपटा रेजिस्टर जो मान रेजिस्टेंस अधिका एगुड़ाक सब मोटा तार रेजिस्टेंस किसी ना तेणु आम जो करवा बैटरी दबा जो भि दैट इज इक्वल टू ताकु जेति की बाहर आर मैंने पोटेंशियल डिफरेन्सटा अक्रॉस द बैटरी तुम्हें लगेदेव वोल्ट मीटर एठी एठी जेति की बाहर ए कॉम्बिनेशन रे मध्य सेतिकी बाहर पाखापाखी पाखापाखी सेतिकी बाहर कारण हाँ आ भितर जदि आउ किछि एलिमेंट थिबो रेजिस्टर तेल सी खाई वोल्टेज तेनालीरुटा को मिसेले जाए आ सागर हम कि आउ किसी एलिमेंट ना एलिमेंट यन टा सेमती ये चार्टा आर वन आर टू आर थ्री आर फोर तेनालीस हम कौन भि इज इक्वल टू भि वन प्लस भि टू प्लस भि थ्री प्लस भि फोर एंड सबू जगार सामान करेन्ट जा सो दैट इज सीरीज कनेक्शन है नाउ अच्छा मु ऑलरेडी कही सारे केमी जानव जे समस्त देह सामान करेन्ट जाम जान आमिटर लगाओ ये देखिए केते करेन्ट जा लगाओ ये लगाओ ये लगाओ समस्त देह आमिटर गोटे रीडिंग दबो एंड ये पूर्वर लगाओ से लगाओ से तब तुम परीक्षा करेन्ट सामान जाज कनेक्शन में एवं परीक्षा करिपार वोल्ट मीटर लगे कि सब पॉइंट मैंने सब भिन्न भिन्न रेजिस्टर अक्रॉस ए पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट से सबुड़ा को वोल्टेज अलग अलग ताको मिसेदेले हम द कॉम्बिनेशन रो वोल्टेज ए पॉइंट भितर लगेले जेतिके हम ये चारटार समष्टि से एंड दैट टू दैट इज अलमोस्ट इक्वल टू दिस पाखापाखि या सांगे समान ये किसी वोल्टेज बाट मारण हो नहीं बोली आमे धरी नौ अच्छा से कथाटा मुझ सारे आउ कि ना अलरेडी कही सारे पंक्ति संजोगर सामूहिक वोल्टेज माने टोटल टोटल एक एक भि वन भि टू भि थ्री मिसेदेले इज इक्वल टू प्रत्येक सामूहिक वोल्टेज ना सॉरी सामूहिक वोल्टेज माने ए दुटा पॉइंट भितर जदि आमे नबा वोल्टेज सामूहिक वोल्टेज इज इक्वल टू प्रत्येक प्रतिरोधी मानकर इंडिविजुअल वोल्टेज रो समष्टि तो वर्तमान देखिवा समतुल्य प्रतिरोध कौन बा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर कॉम्बिनेशन ये जो संजोग संजोगर जो गोटे असेंबली से एंटायर असेंबली एठू एठी
जाके रेजिस्टेंस केते हबो ऐड कर दबा ना आउ कौन करिबा सीरीज कनेक्शन रे से जो धर ए तीन टा जाक को काढ़िकरी आउ गोटे मु लगेबी सेटा को लगेले एका करेंट जीवो ए तीन टा लगे थिले जो करेंट जाउथिला वर्तमान गोटे रेजिस्टर मु लगेबी ए तीन टा जगार जदि एका करेंट जीवो एका वोल्टेज रे ताले जानिबा जे एई आरी रेजिस्टेंसटा हम ए तीन टा जाक सीरीज कनेक्शन जो असेंबली तार इफेक्टिव मिसिक्री सामूहिक रेजिस्टेंस संगे समान तेणु सामूहिक जो समतुल्य प्रतिरोध जोटा तार डेफिनेशन एमती करा दैछ कौन ना जदि पंक्ति संजोग रे थिबा प्रतिरोधी मानक बदल आउ गोटे प्रतिरोधी निया जाए ओ से एका विद्युत स्रोत प्रवाहित हुए समान वोल्टेज थी तेरे से ही गोटे गोटे प्रतिरोधी प्रतिरोध को उक्त पंक्ति संजोगर समाहर समतुल्य प्रतिरोध कह जाए यार एंटायर आसेम्बली नेट नेट इफेक्टिव बा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस ता माने ए तीन टा जाक जगार जदि गोटे लब ये तीन टा जाकर इफेक्ट जहाँ ये गोटार इफेक्ट से तले तले बाहर करवा एंड एंड आई तो करेन्ट समस्त जगार समान जाऊँ सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू भि तो यू जाऊँ तो डेफिनेटली जगार जब आर इक्यू लिखीचे आपको आम अप्लाय कर जे आई सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू भि बाय आई है तो वर्तमान आम जी अप्लाय करदे ओम को नियम हूँ कौन इंडिविजुअल दवा यार भि ओन आम पाई सारे वोल्ट मीटर रे आउ करेंट भी जानचे सामान जा गोटाकर है भि ओन इज इक्वल टू आई आर ओन आर टार भि टू इज इक्वल टू आई आर टू थार्ड टार भि थ्री इज इक्वल टू आई आर थ्री चतुर्थ जदि कम्बिनेसन थोड़े भि फोर इज इक्वल टू आई आर फोर एम सबुड़ाक आम जाणीगले आम जाचे सीरीज कनेक्शन रोटाल भोल्टेजटा नेट इफेक्टिव भोल्टेजटा इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेजेस तेणु तुम्हें यही फर्मूला पकेले भि इज इक्वल टू भि ओन प्लस भि टू प्लस भि थ्री एवं भि जगार यहीटा पकेले यहाँ आई आर इक्यू भि माने नेट वोल्टेजटा जगार आम नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू आई द सेम करेंट एंड आर जगार इंडिविजुअल वोल्टेज पकेले आई आर ओन आई आर टू आई आर थ्री आईटा कटिगला सो अल्टीमेटली रहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस तेणु फॉर ए सीरीज कनेक्शन फॉर एन रेजिस्टर एनटा जदि रेजिस्टर सीरीज कनेक्शन रे अछंती ताहाले से मानकर सामूहिक इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समाहर हूँ आर ओन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू आर एन तमें से जाक जदि न था गोटे रेजिस्टर जार रेजिस्टेंस ही था एम समि ताकू लगेदेले भी काम हो गुड़ाक ये दरकार ना तेणु तू नो जे ए समाहरटा केट रेजिस्टेंस दौची से अनुसार करेन्ट टणा हम बैटरी रु से जनईदब या चल मु देखे दौची दीटा छ रेजिस्टेंस छ ओम दीटा रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन रे अच्छा इज सेम एज 12 जदि ए दीटा को काढ़ 12 ओम लगे एका कथा एका करेन्ट आणव से बैटरी रु से तीन टा लगे 18 चार्टा लगे 24 तेणु सीरीज कनेक्शन सब मिसी जाए तेबे विद्युत परिपथर अन्य अंश मु जोटा कही सारे जो अन्य अंश जो तार लगाई मोटा तार जोड़ा हुई थाए से प्रतिरोध नगण्य थाए फल से वोल्टेज ड्रॉप जोटा शून्य धरा जाए ता माने नाही बिली कहिबा ठीक नो एटा शून्य धरा जाए एवं अंक कला बेले एही नेट वोल्टेज जोटा बैटरी दौची सेटा सम ऑफ द वोल्टेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रेजिस्टर एलिमेंट्स जोटा रियल रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस अछि सेही मानंकर वोल्टेज ड्रॉप रो समष्टि संगे समान ए तार गुडा को आमे नेग्लेक्ट करू कारण सेटा मोटा एटा बहुत पतला आम आर्थर को देखी थिले
आर इज इक्वल टू रो एल बाय एटा को जदि मोटा करदे ताहले रेजिस्टेंस बहुत कमिजी राइट तेणु सीए किसी प्रभाव पकेबनी तेणु अंक कला बेले एई वोल्टेजटा इज द सम अफ भि ओन प्लस भि टू प्लस भि थ्री प्लस भि फोर मुझे लिखी हाँ ये गोटे देखिए एनी तार एक्रस एनी टू पॉइंट्स रे वोल्टेज ड्रपटा प्रायत जीरो प्रायत जीरो ना चल गोटे अंक करवा इन इन सीरीज कनेक्शन कौन कौन अंक करवा ना कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने समतुल्य प्रतिरोध बाहर कर एवं बी रे इलेक्ट्रिक करेंट केते पास होची विद्युत स्रोत एंड सी रे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर एई रेजिस्टर अक्रॉस रे केते होची एई रेजिस्टर अक्रॉस रे केते पीडी होची बाहर कर एतिक डाटा देची बैटरी वोल्टेज होची 7.5 ए दीटा रेजिस्टर लागिची आउ किछ नै एटा डेफिनेटली सीरीज कनेक्शन माने कोन करेन्टर डिरेक्शनटा गोटी आउ डिवाइडेड कोटी हबनी यूनिट डिरेक्शनल जाउची माने पुनी फेरिबो गोटी बाट आउ जदी एठी आसु आसु एठी गुटे पळेबो एठी गुटे पळेबो एठी गुटे पळेबो जो डिवाइडेड हे जइबो आउ गुटे ट्रैक रे पळेबो आउ गुटे ट्रैक रे पळेबो ता माने सीरीज कनेक्शन नुहे सेटा पैरेलल कनेक्शन राइट वर्तमान आमे देखिबा जे ए दीटा रो इफेक्टिव बा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते कहिलो देखिया तमे कहुनो 10 प्लस 5 15 कारण एटा सीरीज कनेक्शन तो ता माने ए दीटा जगह रे आमे 15 लगे पारिबा 15 हला देन वर्तमान वोल्टेज ए 15 ओम रो रेजिस्टेंस माने टाणिबो करंट टाणिबो काठु ना आठु सो करंट आई इज इक्वल टू वी बाय आर सो 7.5/15 जहाला हला धर हला 0.5 सो एटु जदि 0.5 रो करंट जाउची चारिआडे जीवो सीरीज कनेक्शन रे पूरा दीटा जगह रे जीवो 0.5 तो वर्तमान इंडिविजुअली हम जदि बाहर करिबा व्हाट इज दि करंट बाहर कर देले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 15 बाहर कर देले द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच तेणु जदि आरो रेजिस्टेंस अछि एवं करंट 0.5 बाहर लेनि ताहले I into R is equal to V तो A अक्रस रे होची 0.5 into 10 केते हला 5 आउ आ अक्रस रे हला कण सेई 0.5 into 5 सो 2.5 सो एटी 5 प्लस 2.5 मिसै देले 7.5 हला कि नै राइट मु एट करिच दम पाई जे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 15 बाहरला एवं नेट करंट आ जो बाहरुची सोर्स रु सेटा V by R आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर बाहरला देन सेटा दीपटे जाऊँ सो यापाई के वोल्टेज ड्रप हे ना भि ओन इज इक्वल टू आई आर ओन सो ता गुण देले हला 5 एवं यहाँ हला भि टू इज इक्वल टू आई आर टू सो यहाँ गुण देले हला 2.5 यहाँ चेक करदेव ये दुटाक मिसीगले आ सागर सामान हो गला तो मैंने एमने किसी खाऊ ना आर वोल्टेज को ड्रप कर किसी साज्य करूना बोली आम प्रिज्यूम करूँ आता भितर जो गोटे आ गए कौन एलिमेंट रखिदेव ताल तो निश्चय ड्रॉप हो तेणु करेन्ट से अनुसार कमी जीवो जदि रेजिस्टेंस बढ़ी जीवो करेन्ट कमी जीवो तो से अनुसार सब इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप भी चेंज हो जीवो व्हाट समस्त मिसाई देले 7.5 हो राइट बर्तमान आसीबा समांतराल संजोग पैरेलल कनेक्शन मु तो कहिजी जदि करेन्टा बाहरिला सोर्स रु सीए गोटी डायरेक्शन न जाईकरी से मल्टीपल डायरेक्शन जीवो एठू करंटा ए ट्रैक रे आसुची एठी की ए ट्रैक रे आसुची ए ट्रैक रे आसुची तीनटा डिवाइडेड हे गला ट्रैक तने आकु जदी भूली जीवो ए ट्रैक रे गोटे ट्रैक ए दीटा जदी भूली जीवो ए गोटे ट्रैक ए दीटा जदी भूली जीवो ए गोटे ट्रैक तीनटा ट्रैक रे से आसुची सेटा जानिबो जे सेटा हला पैरेलल कनेक्शन तबरे तीनटा जक रजिस्टर गोटे पॉइंट बाँ पटे गोटे पॉइंट डाण पटे लगी से बैटरी सांगे कनेक्शन होती राइट तेणु यार जानवा केमती पैरेलल कनेक्शन आम तो जाणीगले सर्किट देखिक जाणीगले करेन्ट ब्रेक होेन्ट निरवच्छिन्न भाव में गोटे दिगरे जाऊनी सब डिवाइडेड हो जाए गोटे गोटे पॉइंट जाणीवा केमती ना दुटा पॉइंट ए बी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन एटा हला कॉम्बिनेशन तार दीपट साइड रे वोल्टेज ड्रॉप जेती की
ଆମର ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଯେତିକି ଦେଖେଇବ ଏଇଠି ଲଗେଇଦେଲେ, ଆଚ୍ଛା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ତୁମେ ଏଇଠି ଏଇଠି ମାପିବ, ପୁଣି ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଲଗେଇ ଏଇଠି ଏଇଠି ମାପିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି ଏଇଠି ମାପିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି ଏଇଠି ମାପିବ। ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରେଜିଷ୍ଟରର ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାପିବ, ଦେଖିବ ଯେ ତିନିଟା ଯାକର ଭୋଲ୍ଟେଜ ସମାନ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦି ଭୋଲ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର କମ୍ବିନେସନ। ଏଇ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଯେତିକି, ଏଇ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ସେତିକି, ଏଇ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ସେତିକି, ଏଇ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ସେତିକି, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୋଟାଲଟା ଏ ବି ପଏଣ୍ଟରେ ଯେତିକି, ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀର ଭୋଲ୍ଟେଜ ସେତିକି। କାରଣ ମୁଁ କହିଛି ତୁମକୁ ଅଙ୍କ କଲାବେଳେ ଏଇଟାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କନଜ୍ୟୁମିଂ ଏନି ଭୋଲ୍ଟେଜ। ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ପାରାଲେଲ୍ କମ୍ବିନେସନ ବା ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗର ନିୟମ, ଯେ ସବୁତକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରେଜିଷ୍ଟରର ଭୋଲ୍ଟେଜ ସମାନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦି ଭୋଲ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଦି କମ୍ବିନେସନ। ତା ଛଡ଼ା କରେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯିବ, ଏଇଠୁ କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଟଣା ହେଇଛି ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦି ଏଫେକ୍ଟିଭ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟଣା ହେଲା, ହେଲା ବେଳକୁ ଏଠି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଧିକା ସେଠି କମ୍ କରେଣ୍ଟ ଯିବ, ଯାହାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କମ୍ ସେଠି ବେଶୀ କରେଣ୍ଟ ଯିବ। କାରଣ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ ଇନଭର୍ସ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି, ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ବାଇ ଆର୍ ହେଲା। ଭୋଲ୍ଟେଜଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ଭୋଲ୍ଟେଜ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲେ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ବାଇ ଆର୍, ସୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି, ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ହଁ ଏ ଦୁଇଟା ଏ ତିନିଟା ଯାକ ତୁମେ କରେଣ୍ଟ ମାପ, ଆମିଟର ଆଣିକରି ଆଉ ଆ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଦିଅ, ଆମିଟରଟାକୁ ତ ସିରିଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଦିଅ କେତେ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ବାହାରିଲା ଆଇ ୱାନ୍, ପୁଣି ଏଠି ରଖିଦିଅ ଆଇ ଟୁ, ଏଠି ବାହାରିଲା ଆଇ ଥ୍ରୀ, ସେ ତିନିଟା ଯାକ ମିଶାଅ, ଦେଖିବ ଏଠୁ ଯେଉଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମିଟର ରଖିଦିଅ, ଦେଖିବ ଏଠୁ ମେନ୍ ସୋର୍ସରୁ ଯେତିକି ଯାଉଛି ଏ ତିନିଟା ଯାକ ମିଶାଇ ଦେଲେ ବି ସେତିକି। ସୋ ପାରାଲେଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ର ନିୟମ ହେଲା ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଥ୍ରୀ, ଆଉ ଭି ଇଜ୍ ସେମ୍ ଫର୍ ଅଲ୍, ଆର 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 ଭି ସମାନ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଅଫ୍ ଦି କମ୍ବିନେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଅଫ୍ ଦି ବ୍ୟାଟେରୀ, ନୋ ଅଦର ୟୁ ନୋ ରେଜିଷ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ଼। ନାଉ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, ଏଇଟା କହିସାରିଲିଣି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବିନି। ଦେଖ ସମାନ୍ତରାଳ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ତିନିଟା କି ଚାରିଟା କି ପାଞ୍ଚଟା ସିରିଜ୍ ସରି ପାରାଲେଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତା ଜାଗାରେ ଏ ଏଣ୍ଟାୟାର ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ନେବା, ତା'ର ଇଏ ଯେତିକି କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ସେତିକି ସେଇ ବାଟେ ଯିବ ହେଲା, ତେବେ ଏଇ ଏଇଟା ହେବ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକର ଏଫେକ୍ଟିଭ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅର୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ରାଇଟ୍, ତାକୁ ବାହାର କରିବା। ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ହେଇଯିବ, ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରପ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ତାହେଲେ ଆ ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ କେତେ ହେବ ନା ଭି ବାଇ, ହଁ ଆ ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ କେତେ ହେବ ଗୋଟିକିଆ ପାଇଁ, ଆ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ନେଇଛେ ଗୋଟିଏ, ସୋ ଆ ପାଇଁ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେବ ଭି ବାଇ ଆର୍ ଇ କ୍ୟୁ, ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଚାଲ ଯିବା, ଆଚ୍ଛା ଆଇ ୱାନ୍ ଯେଉଁ ଯିବ ଏପଟେ ସେପାରେଟ୍ ହେଲା, ଆଇ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍, ଆଚ୍ଛା ଆଇ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ବାଇ ଆର୍ ଟୁ, ଆଇ ଥ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ବାଇ ଆର୍ ଥ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରେଜିଷ୍ଟରରେ କେତେ ଗଲା ବାହାର କରିଦେଲେ, ଯଦି ତା ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାନ୍ତେ, ସେଇ କରେଣ୍ଟ ଯାଇଥାନ୍ତା ତା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ତା'ର ବାହାର କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଥ୍ରୀ, ଏଇଟା ହେଲା ପାରାଲେଲ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ଖାଲି ଘୋଷା ହେଇକିରି ନାହିଁ, ମାପିକିରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବୁ, ସେଇଟା ପକେଇଦେଲେ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ବାଇ ଆର୍ ଇ କ୍ୟୁ, ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭି ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍, ଏଇଟା ଭି ବାଇ ଆର୍ ଟୁ, ଏଇଟା ଭି ବାଇ ଆର୍ ଥ୍ରୀ, ଏଇ ହେଲେ ଭି ଭି କଟିଗଲା, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଆସିଗଲା ୱାନ୍ ବାଇ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଥ୍ରୀ। ସେମିତି ଯଦି ଏନ୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟର ଥିବ, ତାକ 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 ହେଇକି ଏନ୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟର ଥିବ ପାରାଲେଲ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ରେ, ତାଙ୍କର ଏଫେକ୍ଟିଭ ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜାଣିବାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ୱାନ୍ ବାଇ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍, ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ, ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଥ୍ରୀ, ଅପ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଏନ୍। ତା'ପରେ ଅଙ୍କ କଲାବେଳକୁ ଆକୁ ଓଲ୍ଟେଇ ଦେବ, ଆମେ କ'ଣ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାହାର କରୁଛୁ ନା, ଏଇଟା ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଆର୍ ଇ କ୍ୟୁ ଦେବ, ତା'ର ରେସିପ୍ରୋକାଲ ନେଇଗଲେ ଆର୍ ଇ କ୍ୟୁ ବାହାରିଯିବ, ଅଙ୍କ ତ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଧର ଦୁଇଟା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ନେବା ପାରାଲେଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ରେ,
ତାହେଲେ କ'ଣ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଇ କ୍ୟୁ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ। ଲସ୍ ଆଗକୁ ନେଲେ ଆର୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ଟୁ ଆସିବ ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଟୁ, ତେଣୁ ଆକୁ ଯଦି ଓଲଟେଇ ଦେବା ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆର୍ ଇ କ୍ୟୁ, ଆର୍ ଇ କ୍ୟୁ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ଓଲଟିଯିବ ଆର୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ଟୁ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଟୁ। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା, ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ କଲେ ବେଟର। ଫର୍ମୁଲା ମୋଟେ ମନେ ରଖିବନି, ଅନଲେସ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ନିଡ଼େଡ଼। ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗର ସମତୁଲ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ମାନେ ସିରିଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ମିଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶୁଛି ନା। ତେଣୁ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗର ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ ଠାରୁ କମ୍, ପ୍ରତିରୋଧ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍, ତା'ର 2 ohm 3 ohm ଏ ଦୁଇଟା ଆମେ ପ୍ୟାରାଲାଲ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ କରିଛେ, ତା'ର ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା 2ରୁ ବି କମ୍ ହେବ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟରର ଯେଉଁଟା ସାନ ତା'ଠୁ ବି କମ୍ ହେବ, ଆମେ ଅଙ୍କ କରି ଦେଖିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ, ପ୍ୟାରାଲାଲ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ କଲେ ଯଦି ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କମ୍ ହେବ ଟୋଟାଲ୍ର, ତାହେଲେ ସେ ବେଶୀ କରେଣ୍ଟ ଡ୍ର କରିବ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ, କାରଣ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କମିଲେ କରେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମୋଟା ତାରର ପ୍ରତିରୋଧ କାହିଁକି ଗୋଟେ ତାରି ସେଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ର ଗୋଟେ ପତଳା ତାର ଏକାଲମ୍ବ କିନ୍ତୁ ଏରିଆ ପ୍ରସେକ୍ସନ୍ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ ମୋଟା ତାର ଥିଲା, କପର ମୋଟା ତାର, କପର ସରୁ ତାର ଏକାଲମ୍ବା, କାହିଁକି ତାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ପତଳା ତାରର ଅଧିକା ମୋଟା ତାରର କମ୍, କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ? ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପତଳା ତାରକୁ 100ଟା 200ଟା 500ଟାର ପ୍ୟାରାଲାଲ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ହୋଇକରି ଗୋଟେ ମୋଟା ତାର ହୋଇଛି। ପ୍ୟାରାଲାଲ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କମିବନି କି? ସେଇଆ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଛି, ଗୋଟିଏ ମୋଟା ତାରର ପ୍ରତିରୋଧ ତାହାର ସେଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ର ଗୋଟେ ପତଳା ତାର ଠାରୁ କମ୍, ବହୁତ କମ୍, କାରଣ ମୋଟା ତାରକୁ ଭାବିନିଅ ଯେ ସେଇଟି ଅନେକ ପତଳା ତାରର ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ତିଆରି, ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କରେଣ୍ଟ ରେସିଓ। ଯଦି ଦୁଇଟା ଥିବ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ ଅଙ୍କ କରିପାରିବ ଯେ ଧର ଆଇଟା ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଆଇ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ଆଇ ଟୁ, ଆଇ ୱାନ୍ ଏପଟେ ଯାଉଛି ଧର ଆଇ ଟୁ ଏପଟେ ଯାଉଛି, ଆର ଆର୍ ୱାନ୍ ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆର୍ ଆର୍ ଟୁ ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି କି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍କୁ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି, କାରଣ ଏଇଟା ବ୍ୟାଟେରୀ। ତା ଦେହରୁ କେତେ ତୁମେ ପାଠ, ମାଷ୍ଟର ଦେହରୁ କେତେ ପାଠ ବାହାର କରିବ ସେଇଟା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି, ଖାଲି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଫିକ୍ସଡ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଫିକ୍ସଡ୍, ତେଣୁ କରେଣ୍ଟଟା ଭେରିଏବୁଲ ସବୁବେଳେ ହେବ, ରାଇଟ୍? ସୋ ଆମେ ଯଦି ପୁଟ୍ କରିବା, ଆମେ ଯୋଡ଼ିଏ ରେଜିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଟୁ। ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମେ ଏଇ ଆକୁ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଭି, ଭିଟା ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ୱାନ୍, ସେଇ ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ଟୁ। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେଟ୍ କରିଦେଲେ ଆଇ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ, ଆଇ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ଟୁ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍, ଆଇ ୱାନ୍ ବାଇ ଆଇ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ଟୁ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍। ତା'ମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କରେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଚ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଇନଭର୍ସଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। କରେଣ୍ଟ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯଦି ଅଧିକା ତା'ହେଲେ ସେ କମ୍ କରେଣ୍ଟ ପାଇବ, ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ଆଇ ୱାନ୍ ବାଇ ଆଇ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ଟୁ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍। ଯଦି ଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଧିକା ତା'ହେଲେ ସେ କମ୍ କରେଣ୍ଟ ପାଇବ, ଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କମ୍ ସେ ଅଧିକା କରେଣ୍ଟ ପାଇବ। ତେଣୁ ଅଙ୍କ କଲାବେଳକୁ ଏଇ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ପକାଇଦେଲେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। ଆଇ ୱାନ୍ ବାଇ ଆଇ ଟୁ ଯଦି ତିନିଟା ଡାଟା ଦିଆହେଇଛି, ଏ ଦୁଇଟା ରେଜିଷ୍ଟର ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟାକର କରେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆଇ ଟୁଟା ବାହାରିଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ତାହେଲେ ଆର କରେଣ୍ଟଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାହାରିଯିବ ଏଇ ରେସିଓରେ, ହେଲା? ସୋ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା, ଏ ଫର୍ମୁଲା କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ରୁ। ଧର ଯଦି ଆମେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଇ ୱାନ୍ ଆର୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଟୁ ଆର୍ ଟୁ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତେବେ ଆଇ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା ଆଇ ୱାନ୍ ଆର୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଟୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ, ଇନ୍ ପ୍ୟାରାଲାଲ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ କରେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି କରେଣ୍ଟସ୍। ସୋ ଆଇ ଟୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଆଇ ୱାନ୍ ଆର୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ। ସୋ ଆଇ ୱାନ୍ କମନ୍ ଚାଲିଗଲେ ଏଇଟା ହେଲା ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ। ଲସ୍ ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ
सो एटा होला आर ओन प्लस आर टू बै आर टू तेणु यू जदि आई ओन टा आम बाहर करवा कौन है आर टूटा तले था सो आर टूटा सेपट को चल जा आर ओन प्लस आर टूटा तल को चली आसो सो इंडिविजुआल आई ओन जदि बाहर करवा आई दे तेणु आम आर टू बै आर ओन प्लस आर टू बै इंटु आई 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 हूँ नेट करेन्ट जो कमु बैटेरी आसूँ सो आई ओन इज इक्वल टू आर टू बै आर ओन प्लस आर टू इंटु आई ओन सेमती आई टू इज इक्वल टू एक्जाक्टली से ही वे कले बाहर एक्जाक्टली से ही वे कले बाहर आर आर ओन बै आर ओन प्लस आर टू इंटु द नेट करेन्ट देख ये आई ओन अच्छी ये आर टू अच्छी ये आई टू अच्छी ये आर ओन अच्छी तले आर ओन प्लस आर टू एंड यहाँ आई सो कथा होची एत कथा कहीं कर आम जदि आई ओन देची आम आई टूटा बाहर करीटा को रेजिस्टेंस आमको दिखाई तेल यही मेथड कहीं करवा आईटा को कौन दरकार आमर अच्छे कितु जदि दरकार पड़ आईटा को मानने मेन आईटा को यूज कर अंक करने को इंडिविजुआल रेजिस्टेंस जदि पचरा जा गोटे कौ रेजिस्टेंस तुमको दिहाई नहीं दुटा भितर रईट आर टूटा दिहाइनि यहाँ एक्स एक्स नहीं जीव एवं आईटा जापार एवं आई ओन टा दिहाई सो एंड यहाँ दिहाइनि सो यहाँ दिहाई आर टूटा दिहाइनि एक्स सो यहाँ दिहाई यहाँ जाटा जान सो दैट यू कैन फाइंड आउट आर टू यहाँ गोटे इक्वेशन कितु यहाँ दरकार नहीं तुम अंक कर फास्ट प्रिंसिपल किसी दरकार नहीं चलो गोटे अंक करवा टू रेजिस्टेंसेस थ्री एंड सिक्स ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल माने समांतर समांतर आल कैलकुलेट दर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध बाहर कर आम श्योर मुझे गोटे गोटे जगह इंग्लीश रे लिखी दूँ जाणिक ओडिया करूनी कहीं करूनी एक्सप्लेनेशन टा ओडिया रे कहूँ इनफैक्ट लेट मी शेयर विथ यू इवेन मत बहुत भल लगे भी एक कह बहुत गर्वित जे आम देश एत पछे तार वन ऑफ द रीजन्स हो पारे आम मातृभाषा उपरे आमर सेतटा लगाओ ना प्रेम ना कहीं देख जतक डेवलप्ड नेशन अच्छे जापान से तांकर सबू साइंस पाठपढ़ा सबू जापानीज लैंग्वेज रे जर्मनी जर्मन लैंग्वेज रे फ्रांस फ्रेंच रे इटली इटालियन लैंग्वेज रे कोरियन कोरियन लैंग्वेज रे चाइना चाइनीज लैंग्वेज रे से बही रे मोटे इंग्लीश ना किंतु आमे बाबू इंग्लीश मूलर कहबू सब बड़े आमर घरे कहे ना 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 तु तो सांग मान सांगे इंग्लीश सब कथबार्ता कर ओडिया रे कर ना कारण चाकरी मिल सिस्टम के कल्चरटा इंग्लीश जुगर यही आलकी पदे इंग्लीश रे कही पारे चाकरी मिल कि माने नुहे जो तुम ओडिया कहवा छाड़देव एवं साइंस जेहेतु इंडिया रे रीजनल लैंग्वेज रे पढ़ा है नहीं तेणु साइंटिफिक इनोवेशन आसलानी खाली घोषे दिहला इंग्लीश रे अनुवाद करके छाड़ दिहला तेणु इंग्लीश रे कहिबो इंग्लीश रे पढ़िबो किंतु थिंकिंग टा तो आम ओडिया रे करूछु ना हिंदी रे करूछु जे हिंदी हिंदी बेल्टर लोक जे तेलुगु बेल्टर लोक से तार निज थिंकिंग टा इंग्लीश रे थिंकिंग आम करूनु ओडिया रे थिंकिंग करूछु तेणु वी कैनट यू कैनट साय अवे फ्रम आवर मदर टंग तेणु हाँ मुझे कहती से पाटा प्लस टू रे पढ़ुची मोर भिडियो गुड़ाक प्लस टू पाई इंग्लीश रे करूँ से प्रथम थर पर मत कहला कहला सार भिडियो गुड़ाक ओडिया बुझेले हाँतानी मुझे ये हेगली स्तब्ध होगली सत्य तो मुझ तो मेजोरीटी मोर कम करुच्ची केवल ओडिया ओडापी तेणु ओडिया पा जदि न बुझीपारा मोर लांगुएज इंग्लीश लांगुएजटा न बुझीपारा तेल कर लाभ कौन मत गोटे से बहुत सक दे मुझे ओके मुझ कन्सीडरेसन करी आहेतु प्लस टू रे इंग्लीश रे कम्युनिकेशन हूँ इंग्लीश तेणुक इंग्लीश रखी बट तुम सजेसन टा बहुत पावरफुल सजेसन हैला मु काही कहली एटा इंग्लीश रे मझे मझे लिखि देउची तुम्हें किसी माइंड करिवनी तुम्हें पढ़ी पार बुझी पार खाली मन मन भाव ही इंग्लीश इंग्लीश कौन ये गोटे आ गए लांगुएज आ कौन अच्छा यहाँ कौन देटा रेजिस्टर
पारलाल कनेक्शन अच्छे हला तीन ओम आ छम तार एफेक्टिव रेजिस्टेंस केते बा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते तले 1/3 + 1/6 जेति कि बाहरि बतार रेसिप्रोकल मोटी कर दिस तमरो 1/3 + 1/6 मिसै देले 1/इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बारला 3/6 बा 1/2 ताको उल्टे देले 2 आ कोन सो ए दीटा नने करी ता जगह रे 2 ओम नै गेले भी हबो ता जगह रे 2 ओम देखो केते कमी गला 6/3 एते एते अधिका नै जे किंतु एफेक्टिव रेजिस्टेंस टा इवेन ए दीटार सबुठ जे छोट तीन ताठू भी कम सो कमीगला मान करेन्ट ये ड्र कर अधिका करेन्ट ड्र अधिका कर मान तुम जब बल्ब लगे से बेसी जोर जल कारण आम पढ़वा नेक्स्ट्रे जो पावर दैट इज भी इंटु आई और आई स्क्वायर आर से बढ़ी जीव सो दैट तुम्हें गोटे बल्बटा ये लगे आ गोटे बल्बटा लगे मान इलेक्ट्रिक बल्बटा लगे सीरीज कनेक्शन ये जोर जल सीरीज कनेक्शन रे कम डीम जलिबो कहीं आर करेन्ट बढ़ी जीवो यार करेन्ट टू आर करेन्ट बिकज इफेक्टिव रेजिस्टेंस टा कमी गला ना कमी गला माने एटा जदि सीरीज कनेक्शन था 6/3 9 सो एठी जदि 12 वोल्ट रो बैटरी दे था तो 12/9 एठी होची 2/ I = केते I = V/R सो ये धर 12 वोल्ट रो बैटरी अच्छी 12/R होची ये 2/6 A किंतु से 12/9 यहाँ जी सीरीज कनेक्शन था 9/3 सो डेफिनेटली करेन्ट बढ़ीगले करेन्ट बढ़ीगले इवेन इंडिविजुअल करेन्ट भी बढ़ीजी बढ़ीगले इंडिविजुअल करेन्ट के वोल्टेज यहाँ 12 होता है यहाँ 12 सो 12/3 3/4 ए तीन टू तो अधिका है इंडिविजुअल भी बढ़ी जीव बढ़ीगले करेन्टा कौन हम ना बढ़ीगले पावर बढ़ी जीव पावर बढ़ीगले ब्राइटनेस बढ़ी जीव सेटा में नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कशन करवा इन डिटेल एटा नहीं मु आउट ऑफ द वे रे कहि देली कारण गोटे मु क्वेश्चन करूली आर वीडियो पई काहेकि सेटा गोटे एक्सपेरिमेंट मु देखी आर वीडियो रे जे कौन पई बढ़ी जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन रे जदि गोटे बल्ब रखिबो तार ब्राइटनेस बढ़िबो आउ सीरीज कनेक्शन रे जदि गोटे बल्ब लगेबो तार ब्राइटनेस कमिबो सेटा मु पावर रे रखिबि सेथि मु कहली सो एटा गोटे करिबा 10 ओम आउ 20 ओम रो दीटा रेजिस्टर से लागिछि पैरेलल ताकू सप्लाय करूछि बैटरी बैटरी रो वोल्टेज देइनी ताकू सप्लाय करूछि 6 A रो करेन्ट सप्लाय करूछि तबे से पचारूछि कैलकुलेट द करेन्ट इन ईच रेजिस्टर या धीरे केते डिवाइड हबो 6टा डिवाइड हबो आमे जदि एमिति कर दबा जे आमे जदि रेशियो कर दबा आमे देख सबुठ सिंपल उपाय कौन कहल टिके पज कर भाविल तापर आस पज कल रेडी स्टडी गो देख आग आग एफेक्टिव रेजिस्टेंस बाहर करदे इक्विवेलेंट चलो बाहर करदे REQ = 1/REQ = 1/10 + 1/20 सीटू बाहरी गला REQ तार रेसिप्रोकल नहीं गले बाहरी गला मुझे मुझे तुम्हें करके अच्छे देखेदेवी सो बाहरी गला जेहेतु इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहरी गला तेल वोल्टेज केक्रस दिस् के बाहरी गला सो V = I × REQ सो करेन्ट दे दीजिए 6 × इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहर लगुणी देले वोल्टेज बाहरी गला एक्रस दिस् 2 ता माने बैटरी से कारण आपको जब नगण्य करवा तेल बैटरी वोल्टेज भी से आउ किसी एलिमेंट ना तेणु वन से आम वोल्टेज बाहरी करदे तो करेन्ट ईच रेजिस्टर V/R करदे बाहरी गला अन्य मेथड भी हो पार तुम ट्राए कर फॉर एग्जांपल I1 + I2 = 6 तापर आम लिखे I1 / I2 = R2 / R1 ये दुटा इक्वेशन करके आम बाहर करें इक्वेशन को दुटा कारण आम जाचे यहाँ आई ओन ये जाऊँ आई ओन धर ये जाऊँ आई टू धर
सो इज इक्वल टू सो यु बाहर आई वन होर आम जाने आई वन जगार आम कि आई टू जगार आम पुट करवा आई वन माइनस सिक्स ये पुट करवा तेणु आई दुटा जना अच्छी तो सेमती करके देख सो वोल्टेज आउ दरकार हेनी यू गोटे रिलेसनशिप आम बाहर करदे पार समय अभाव मुटा को करूनी तो जोड़े इक्वेशन आई वन प्लस आई टू मिसले निश्चित भाव में सिक्स हम एवं यही रिलेसनशिपटा अलरेडी आम जानचे आई वन बै आई टू इज इक्वल टू आर टू बै आर वन यू आई टू कि आई वन रैल्यूटा आणिक ये पुट करदे ए दुटा डाटा दे खाली गोटे भेरिएबल रई वन कि आर टू से आम बाहर करदे पार सो सेटा मध्य अनदर मेथड हम मुझे सब सहज मेथड कहली यहाँ मुदे सो यटा मो बाहरी मोर रेजिस्टेंसटा बाहर 20 बाई 3 इफेक्टिव रेजिस्टेंसटा बाहर आर इक्विवेलेंट सो भी इज इक्वल टू आई इनटू इफेक्टिव रेजिस्टेंस सो यटा 40 वोल्ट रो बैटरी एंड दैट इज सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस दिस टू पॉइंट्स अक्रॉस द कॉम्बिनेशन 40 वोल्ट अक्रॉस द कॉम्बिनेशन तेणु इंडिविजुअल पे आई वन इज इक्वल टू भि बै आर वन 40 बै 10 4 एम्पीयर एटा आ एटा आई टू होची भि बै आर टू भि होची से एका 40 वोल्ट 40 बै 22 सो ए दुटा को मिसेले 4 2 6 होची ना ना ए 6टा डिवाइडेड हो जाउची दी पटे हैला तमे जेमती अंक करि पारिबो मु जो परे कहली ताकू से मेथड रे किबा ए मेथड रे जो मेथड रे तमे करि पारिबो तले आ गुटे करिबा शेष हो गलानी एकदम शेष एटा गोटे देख ए दीटा तीन ओम आउ सिक्स ओम एम पैरेलल कॉम्बिनेशन रे अच्छा धर एटा गोटे एटा धर मन मन भाव एटा आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गोटे तांगे एटा सीरीज कनेक्शन रे अच्छे तेनाली तो दीटा अंक करा पड़ो गोटे हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन थे बाहर करा पड़ो तापर से जो बाहर ताकू आ सागर मिसेवाक पड़ो सीरीज कनेक्शन है सो ए दीटा ए दुटा है पैरेलल आईटा यहीटा है सीरीज चलो पैरेलल करवा पैरेलल कले कौन हम 1/3 प्लस 1/6 करी मिसेकर तार रेसिप्रोकल ने यहाँ बाहरी गला पुणी आ सागर यहीटा मिसेदे बाहरी एंटायर यार टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बाहर जब एंटायर सर्किट्र आ सर्किट्र आउ कहीं ना ना तो वन्स आम टोटल रेजिस्टेंसटा बाहर करदे इफेक्टिव रेजिस्टेंस बाहर करदे तेज करेन्ट बाहर 12 वोल्टिया बैटरी लगे सो आई इज इक्वल टू भि बाई आर इफेक्टिव रेजिस्टेंसटा टोटाल बाहर मन जहाँ सो आईटा बाहरी गला भि बाई आर द मोमेंट आई बाहरी गला आईटा ये जाऊँच सो आई तो सी तो पचार हाँ तीन ओम प्रतिरोधी विद्युत स्रोत केते तेणु आईटा यू डिवाइडेड हम तो जना पड़गला जदि आईटा आम जाचे यू डिवाइडेड हम ताल आम अक्रॉस दिस वोल्टेज बाहर करदे पड़ो कि जो आर मेथड रे कही से पड़ो आई आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू दैट आई जो बाहर देन आई वन बै आई टू इज इक्वल टू सिक्स बै थ्री एमती करदे भी हम और यू कैन फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन कथा बुझ पैरेलल कॉम्बिनेशन केमी बाहर कर ना जदि करेन्ट जाच एवं यार इफेक्टिव रेजिस्टेंसटा जाच सो आर वोल्टेज हम आई इंटु आर जो आईटा बासुची सेटा इंटु इफेक्टिव रेजिस्टेंस करदे यार बाहरी गला वोल्टेज ड्रॉप केवल आर वोल्टेज ड्रॉपटा बाहरी गला तो जदि वोल्टेज ड्रॉप पैरेलल कॉम्बिनेशन रे अक्रॉस रे मिलीगला दैट दिस आई वन इज इक्वल टू भि बै थ्री दिस आई टू इज इक्वल टू भि बै सिक्स तो से मुझे देख पैरेलल कॉम्बिनेशन आगो कर देछि ए बी भितरे सेइटार इफेक्टिव रेजिस्टेंस बाहरला 2 ओम एवं एटा 4 ए दुटा मिसीगला 6 ओम सो पी क्यू एंड ए बी एलिमेंट्स आर सीरीज कनेक्शन रे अछन्ति बोली दुटा मिसीगला देन करेन्ट बाहरीगला भि बै टोटल रेजिस्टेंस बाहरला आर क्यू सो 12/6 इज इक्वल टू 2 एम्पीयर जाउछि एठु एई जके भी जाउछि एठु डिवाइडेड हो जाउछि तेणु मुझे बाहर कली भि ए बी भितर वोल्टेज ड्रपटा के आई इंटु आर आई जा टू इंटु इफेक्टिव रेजिस्टेंस बाहर ये आर टू सो टू इंटु टू फोर हूँ ए दुटा भितर इफेक्टिव
সরি এই দুই এই দুইটা পয়েন্ট ভিতরে ভোল্টেজ ড্রপ বা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। তো কহিল এইটা কেতে এনজয় করুথ ভোল্টেজ ড্রপ, অবভিয়সলি এইটা যদি ফোর এইটা ডেফিনেটলি বার মাইনস ফোর কেতে আট, তেণু আমি যদি এইটা এমানকর কিছু কন্ট্রিবিউশন কু জিরো করিবা তাহলে এইটা যদি ভোল্টেজ ড্রপ করুচি এনজয় করুচি চারি ভোল্ট তেবে বার মাইনস চারি আট ভোল্ট ইয়ে এনজয় করুচি। ছাড় আ কথা ছাড়, আমি সে পচারুচি থ্রি ওম রেজিস্টর বাট দিয়ে কেতে করেন্ট যাচ্ছে। সো আই ওয়ান দ্যাট ইজ মু লিখি দিয়েছি আই থ্রি ওম, এটা চিহ্ন দিয়ে দিয়েছি আই ওয়ান ন লিখিকি, ইজ ইকুয়াল টু নেট ভোল্টেজটা সমস্ত সমান ফোর আর তার নিজের রেজিস্টান্স হচ্ছে থ্রি, ফোর বাই থ্রি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি 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 রেকরিং আম্পিয়র হব সেই বাট দিয়ে করেন্ট। আর বাকি যে টু আম্পিয়র রু মাইনস করেদেলে জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন আম্পিয়র এইবার দিয়ে যাচ্ছে, তেমন যেহেতু ইয়ার রেজিস্টান্স অধিকা সিক্স তেমন ডেফিনেটলি তার কম কম যাচ্ছে পয়েন্ট সিক্স সেভেন যাচ্ছে, এটি যাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি রাইট। সো আর দ্বিগুণা যাচ্ছে, এই যেত যাচ্ছে তার দ্বিগুণা যাচ্ছে কারণ ভোল্টেজ তার রেজিস্টান্সটা হাফ তেমন করেন্টটা দ্বিগুণা হল। সো উইথ দিস আমি আমি দেখব যেতে কম ঘরে লাইট ফাইট ফ্যান ফ্যান লাগিছি এগুলো সব প্যারালাল কম্বিনেসন অনেক, কারণ ধর মোর ফ্যানটা এটি পড়িগলা তা মানে অন্য গুড়াক কিছু পড়ুনি, সে এসি চালিছি অন্য টিউব লাইট চালিছি সব চালিছি, কারণ সেটা সেই গোটা এই গোটা ফিউজ হয়েগলা এটি যাও করেন্টটা এইবাটে যাব কোণ অছি, তিনটা লা কোটি গোটে তিনটা লা ধর তিনটা ভিতর গোটে ফিউজ হয়েগলা আর বাটরে যাব কোণ, সর্কিট ক্লোজ হবনি কেবল সেই বাট দিয়ে করেন্ট যাবনি সেইটা অফ হয়ে গেল, তেমন সবগুড়াক তা ছড়া করেন্ট অধিকা যাব রাইট, করেন্ট অধিকা যাব বলে আমি সেটা করথাও প্লাস। কিন্তু সিরিজ কনেকশন রে ধর তুমি সব বাহাঘরিয়া ভোজি ফোজি যাইথিব, সব আজিকালি এসিনা কোভিড পিরিয়ড রে আউ ভোজি ফোজি না ভোজি না ফোজি ঘরে বসি বসি করে আমার পেট বড়লা। সো তোমার পিলা মানে সব খেলাখেলি করছ তো, নহলে তোমায় যদি মেদ বৃদ্ধি হব পিলাবেলু তাকে কন্ট্রোল করা ভেরি ডিফিকল্ট বাবা মামা। সো কোণ আমি কুচি যে সেই যে ভোজি মানকরে যে লাইট করে লিচু লাইট, লিচু লাইট যে ঘরে সব লগাতে দিওয়ালি বেড়ে বেশি লাগে, সে লিচু লাইট গুড়াক কেমতি লাগে জাঁচ, সিরিজ কনেকশনরে লাগে, সেতর গোটিয়ে লিচু লাইট অফ হয়ে গলা এন্টায়ার সবুতক অফ হয়ে গলা, কারণ তাপরে 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 করেন্টটা পুরা গোটিয়ে বাট দিয়ে যাচ্ছে, করেন্টটা ডিভাইডেড হোনি, তেমন তাকে তোমাকে ইলেকট্রিসিয়ান ডকাইব সেই গোটা যেটা ফ্ল রহিলা ডালমে কালা, সেই কালাটা সে বাহার করি আগে নূটে দেব সবুড়াক জড়ব, সেইটা হচ্ছে তার ডিসআডভান্টেজ। কিন্তু আমার হাউস হোল্ড কনেকশনরে সবুড়াক অধিকাংশ প্যারালাল কনেকশনরে থাকে, প্যারালাল হলে আমার কিছু না গোটে যদি অসুবিধা হয়ে গেল সে রহলা সেটা গলা অন্য গুড়াক চাললা হল। সেইপি মু লিখিছি লার্জ নম্বর অফ মিনি বল্বস লাগিছে গার্ল্যান্ড যে হুয়ে হার লিচু হার সে মানে সিরিজ কনেকশন থাকে, সে গোটিয়ে গলা মানে এন্টায়ার সর্কিট ওপেন হয়ে গলা, বল সবুড়াক বন্ধ হয়ে গলা, কারণ সে বাট দিয়ে করেন্ট যাও নি আর কোণ। কিন্তু আমার হাউস হোল্ডরে সবুড়াক প্যারালাল কনেকশন, ফ্যানটা খারাপ হয়ে গেলে তা মানে টিউব লাইট বন্ধ হয়ে যাব নুহে, হ্যাঁ যদি মেন সপ্লাই বন্ধ হয়ে গেল সবু বন্ধ হয়ে যাব, কিন্তু মেন সপ্লাই অছি কারণ টিউব লাইটটা বন্ধ হয়ে গেল বন্ধ হয়ে যাব সেই গোটা, কারণ সে প্যারালাল কনেকশনরে অছি সে জায়গায় করেন্ট আসুনি রাইট। এই হচ্ছে কথা। তো বর্তমানে মু দেখাইবি সবু কইছি সবু ভিডিওরে গোটে লেখা ভাল শর্ট চারি মিনিটিয়া তিন মিনিটিয়া এমতিয়া ভিডিও মু তোমাকে দেখাইবি সেই জিনিস সিরিজ এন্ড প্যারালাল কনেকশন। দেখ এইটি মু দেখাই দেউছি এইটি সে সিরিজ কনেকশন করেছি, করেন্টটা এইটি ধর পজিটিভ ধর এপটটা পজিটিভ সেই এপটে আসবে, এটা 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 তো কিটা সুইচটা সেই দিয়ে এটা অফ করছে, সে করিকি এইপটে যাব এইপটে যাব এইপটে যাব এইপটে যাব গোটিয়ে পটে যাব। কিন্তু এই কেসরে কোণ হয়েছি এটু যাব কি বাট দিয়ে গলা এই এই পয়েন্টর দুই পট হয়ে গলা, এটি এইটি গোটে তার লগাইছি দেখাইব সে এই এইটু এমিতি গলা কিছি আউ এমিতি এমিতি গলা কিছি, এইটি গোটে রকিছি কনেক্টর সে এইটু এইটি গোটে কনেকশন করছি পুঁ এইটু আউ গোটে নিয়েছি সেইটু এই গোটে পয়েন্টর গোটে নিয়েছি হল পুঁ সেইটু আসছি সেই আউ গোটে সেই পয়েন্টরে যোগ হয়েছি পুঁ সেই পয়েন্টর এটিকে আসছি, তেমন এইটি করেন্টটা ডিভাইডেড হয়ে গলা,
किछि एपटे गला किछि एपटे गला सो ए दीटा हला सीरीज ए पैरेलल कनेक्शन रे लागी छी ए दीटा सीरीज कनेक्शन लागी छी देखो वर्तमान Hi, I'm Jared. Welcome to Fun Science Demos. Kind of in the dark today because we're talking about electricity. And to show you electricity, we need to light up some light bulbs. And to light up some light bulbs, we need it a little bit dark. I have in front of me an electrical mystery. In another video, we talked about the idea that electricity needs a path to move through and follow. Scientists call that a circuit. Take a look at these two different circuits I have in front of me. These circuits look almost the same. They both have batteries. They both have a switch to turn them off and on. They both have wires and they both have light bulbs. So how are they different? Now remember, electricity needs to move through a path. It has to follow a path. So let's take a look at this blue side. Let's see if we can follow electricity. So electricity is going to come out of my battery. And if I turn on the switch, it'll move through the switch, through this wire, through this light bulb, through this wire, through this light bulb, through this wire, back into the battery. It's a circuit, a circle that electricity will flow through. Let's see if it works. Now I'm going to turn on our switch to complete our circuit. And we have the light bulbs lighting up, but they're not very bright. These light bulbs aren't bright at all. I mean, I can barely see light coming out of these light bulbs. There's got to be a reason why. I think by taking a look at the red side, we can start to figure out the reason. I have my circuit, a battery, electricity flows through this wire, it'll flow through this switch, through this wire, through this light bulb. Wait a second. I think my electricity can travel a different path. I think it has some options. It doesn't have to just travel one way. I think my electricity can travel two different ways. Let's take a closer look and see if we can see the path that that electricity will move through. So let's turn the switch on and see if we can actually follow the electricity as it moves through my circuit. I have electricity coming out of the battery through this wire, through the switch, through this wire. And when it gets to this light bulb, my electricity can move two different ways. It can move through this light bulb and then back through this wire back to the battery, or my electricity can flow through the wire, through the switch, through the wire. It can then pick up with this wire, flow through this wire, through this light bulb, through this wire, and back to the battery. There's two different paths running at the same time. So why are these light bulbs so much brighter than these light bulbs on the blue side? Well, think of it like this. As the electricity moves through this wire and it gets to this light bulb, it doesn't move so easily through this light bulb. This light bulb slows it down. So now the electricity can't move as easily through these light bulbs, so it's dimmer. But look at this. The electricity flows through this light bulb and back to the battery, but we also have electricity flowing in one path. It doesn't move through that light bulb. It moves up through this wire, through this light bulb, and it can flow easily in a different path. Now remember, when I look at the blue side, the electricity only has one path to follow and move through. One. On the red side, my electricity has two paths to follow. It can go one loop, or it can go a second loop. Scientists call any kind of circuit that has one path a series. Scientists call any kind of circuit that has two paths to follow parallel. So using science, we've solved the electrical mystery. And believe it or not, circuits are all around us. These switches are just like the light switches on your wall. And every switch can start or stop the move of electricity through those circuits. It's pretty neat. If you want to learn more about circuits, check out our link. तबे मु बहुत उड़े assignment दे ची तबे देखिलो यार reason टा से explain करी पारलानी कहीं की इटा bright लगेला कहीं की इटा dim जड़ला से इटा से explain करी पारलानी से इटा को power को आने वाक पड़ी वा मु तमकु detailed discussion करी भी यार next slide next video रे जो तुले power कथा पढ़े भी electrical power से इटा कही भी आउ तुम्हें बहुत गुड़ाक मुझे कौन कहल असाइनमेंट बहुत गुड़ाक बेसी ना पखापाखि 18 असाइनमेंट अच्छी विथ आंसर्स भिन्न भिन्न सर्किट डायग्राम अच्छी
तार इफेक्टिव रेजिस्टेंस बाहर करिया को आइछि पुनी बैटरी भी दिया जाइछि गोटे गोटे जगह रे गोटे गोटे जगह रे वोल्टेज दिया जाय नै तमे बाहर करिवो ए सब तमे करिवो करिकिरी मते जणैबो जदि किछि आंसर न मिसला बुझि न पारलो तमे सार को पचारिवो तमरो गुरुमा गुरु गुरुजी को पचारिवो जदि किछि असुविधा हला मते कांटेक्ट करिवो हैला सो बाय गाइस hopefully you will not hesitate to subscribe to my channel and also like if you have liked right bye bye